नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं सुजीत कुमार इनक्रेडिबल आईएएस एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का वीडियो जो है आधुनिक भारत का महासंग्राम चल रहा है और इस महासंग्राम में हम एसके पांडे सर की बुक को आपके सामने रखने की कोशिश करता हूं बिल्कुल आसान भाषा में और सिर्फ वही बातें बताता हूं जहां से आयोग क्वेश्चन को उठा के आपके सामने देता है और हर बार आप क्लीन बोल्ड हो जाते हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, 66 में एक सीट आपका होगा। बस शर्त इतनी है कि आपको हमारे साथ चलना होगा, फिर रिजल्ट को झक मार के आपके पास आना होगा, क्योंकि हम लोग ईमानदारी के साथ टू द पॉइंट और जिस तरीके से बीपीएससी का पैटर्न बदल रहा है उसी अनुसार से पढ़ाई कर रहे हैं और हम आपको पढ़ाई करवा रहे हैं। तो जाहिर सी बात है एक रिजल्ट हमारा होगा ही होगा। इससे पहले एक बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन जो आपको बता दूं कि सितंबर फर्स्ट वीक में बीपीएससी का फॉर्म आ रहा है 66 का, आप लोग रेडी हो जाइए और करीब करीब 600 प्लस पोस्ट इसमें रहने की संभावना है। क्या होगा अभी क्लियर पूरी तरीके से नहीं हुआ, लेकिन अंदरूनी ये पता चला जो मैं आपको शेयर कर दिया हूं। शेयर बस इसलिए कर दिया हूं ताकि आपके अंदर सुनामी की आग लगा दिया हूं। अब जहां हो जिस जगह पे हो वहीं से अपने आप को प्रिपेयर कर लो, क्योंकि ये जो वक्त आ रहा है अगर हाथ से फिसल गया तो यकीन मानो 67 आपके बस के बाहर की बात हो जाएगी। इसलिए पूरी एनर्जी, जो एनर्जी आज तक आपने संजो के रखा है और जो पता भी नहीं है लेकिन फिर भी इतना एहसास है कि एनर्जी है, उन सारी एनर्जी को उड़ेल दीजिए। लेकिन इस बार 66 पे एक सीट पे आपका नाम हो इसके लिए पूरी तरीके से पूरी कायनात को एक साथ मिलाने के लिए जी जान लगा लीजिए। जो भी सीरीज मैं स्टार्ट कर रहा हूं उस सारी सीरीज में पार्टिसिपेट कीजिए, समझिए, लिखिए, बताइए, पूछिए, व्हाट्सअप कीजिए, लेकिन इस बार रिजल्ट दीजिए खुद को और अपने परिवार को। और आप ये डिजर्व करते हैं कि आप रिजल्ट देंगे, लेकिन तब जब आप जलने के लिए तैयार हो जाएं और दिलों के अंदर सुनामी पैदा हो जाए। तो चलिए दोस्तों, इससे पहले जो है हमने आपको पुर्तगाली बताया था और बिल्कुल आसान भाषा में बच्चों की तरह सिर्फ उतना ही बात बताया था जहां से आयोग क्वेश्चन पूछता है। अगर आपको ये वीडियो देखना है तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहां से देख लीजिए। अगर वहां से ओपन नहीं हो रहा है तो आप हमें इस नंबर पे 7667754771 पे आप जाके मुझे मैसेज कीजिए, व्हाट्सएप मैसेज, और मैं आपको वहां से लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा। तो चलिए दोस्तों, आज का सेशन जो है स्टार्ट करते हैं। डच में कोई इंटरेस्ट नहीं है और यहां से क्वेश्चन भी बहुत कम मात्रा में ही पूछा जाता है, लेकिन जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसके बारे में थोड़ा सा चर्चा कर देते हैं। डच जो है वो नीदरलैंड के हैं या फिर होलैंड के हैं, ठीक है ना। यहां के ये निवासी थे, नीदरलैंड या होलैंड दोनों इक्वल ही है, यहां के निवासी थे। पुर्तगीज के बाद डच ही भारत आए थे। 1595-96 के आसपास कर्नोलिस हाउटमैन के नेतृत्व में पहला डच अभियान दल जो है पूर्वी जगत में पहुंचा था और सुमात्रा पहुंचकर बॉटम के राजा के साथ संधि करने के इस दल ने सफलता प्राप्त कर ली थी। और 1595 से 1601 के बीच में डचों ने पूर्वी जगत की ओर 15 सामुद्रिक यात्राएं की थी। 1595 से 1601 यानी करीब करीब 6 साल में जो है करीब 15 समुद्रिक यात्राएं की। 1602 में विभिन्न डच कंपनियां मिलाकर यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड कहें या फिर यूनाइटेड ईस्ट कंपनी ऑफ हॉलैंड भी कर सकते हैं नाम से विशाल व्यापारिक जो है संस्था की स्थापना की। अब देखिए यहां से क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि डच जो है कहां के निवासी थे। अगर बीपीएससी में है, और कई बार हमने क्लास में भी अपने संस्था जो ऑफलाइन है वहां भी बताऊं कि नीदरलैंड और हॉलैंड, आप अगर हॉलैंड भी बोलते हैं तब भी मैं कहता हूं नहीं गलत है, नेक्स्ट बोलिए, ताकि आपके दिमाग में सही से रहे कि नीदरलैंड और हॉलैंड दोनों इक्वल है और दोनों ऑप्शन देके बीपीएससी ई ऑप्शन दे देगा और जिसमें आपको फंसा लेगा और आपको कंफ्यूज आ जाएगा यार होलैंड सर तो बोले थे नीदरलैंड, अरे नहीं नीदरलैंड और होलैंड दोनों है, इसलिए ऑप्शन ई मारना होगा ऐसे कंडीशन में, थोड़ा सा बस जागरूक रहना। चलिए कब आई थी आपको पता 1595 में, यह चीज हमेशा आपको ध्यान रखना होगा। चलिए अब आते हैं डच नौसेना के नायक जो थे बेदर हेग, सूरत में मालाबार में असफल होने के बाद 1605 में मुसोलिनीपट्टनम में प्रथम डच फैक्ट्री की स्थापना शुरू हुई थी, मुसोलिनीपट्टनम। और इसी को आगे चल के जब देखेंगे तो यहां पे अंग्रेज जब बताएंगे, इसके बाद जब अंग्रेज बताएंगे तो अंग्रेजों की भी पहली कोठी, पहली फैक्ट्री, पहली कंपनी तीनों इक्वल है। तीनों की स्थापना कहां पर हुई थी, मुसोलिनीपट्टनम में। इसको पहले जो है प्राचीन काल में मछलीपट्टनम कहा जाता था, ध्यान रखिएगा मछलीपट्टनम, अब जो है मुसोलिनीपट्टनम कहा गया। तो डचों के भी प्रथम फैक्ट्री और अंग्रेजों के भी प्रथम फैक्ट्री मुसोलिनीपट्टनम में। अब एक क्वेश्चन यहां बनता है कि सर मुसोलिनीपट्टनम कहां है, हिंदुस्तान के कौन से राज्य में। तो ध्यान रखिएगा अगर पट्टनम भूल जाते और क्वेश्चन पूछ देता तो याद कीजिए, विशाखापट्टनम अगर पूछे तो बता सकते हैं ना, हां सर आंध्र प्रदेश में, बस ये आंध्र प्रदेश में, ये पट्टनम जो भी लगा रहे सारा का सारा जो है आंध्र प्रदेश में, क्लियर है ना। चलिए दूसरी डच फैक्ट्री जो कि
पेतोपोलो यानी कि निजाम पत्नम में स्थापित किया गया और 1610 ईस्वी में डचों ने चंद्रगिरी के राजा के साथ समझौता करता। तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछा 1610 ईस्वी में डच जो है कौन से राजा के साथ में समझौता करता, तो चंद्रगिरी के राजा के साथ में समझौता करके पुलिकट एक अन्न फैक्ट्री की स्थापना करता। पुलिकट में जो है एक अन्न फैक्ट्री की स्थापना होता और इसका मुख्यालय भी अपना बनाया गया था। डचों ने यहां अपना स्वर्ण सिक्के पगोडा ढाले थे, स्वर्ण सिक्का जो ढाला गया था कहां पे, तो पुलिकट में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। और डचों ने 1616 में सूरत में और 1641 में बिमलीपट्टनम में फैक्ट्री की स्थापना की। 1616 में सूरत में। अगर यही चीज अगर यहां पर आपको बताऊं कि अंग्रेजों ने, ध्यान रखिएगा, अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री जो स्थापित की थी मुसौलीपट्टनम में, लेकिन मेन रूप से कारोबार इनका जो शुरू हुआ था वो कहां पे हुआ था, तो सूरत में हुआ था। और अंग्रेज ने सूरत में कब कंपनी स्थापित की थी, तो हमेशा याद रखिएगा 1613 में, 1611 में मछलीपट्टनम, 1612 में स्वाली का युद्ध, क्लियर हो रहा है ना, स्वाली का युद्ध, और 1613 में जो है और वहां पर सूरत में जाकर अपनी कंपनी स्थापित की थी, एकदम दिमाग में रखना। और 1613 में जो है अंग्रेजों ने सूरत में अपनी कोठी स्थापित की और 1616 में यानी 3 साल के बाद डचों ने, यहां डच की बात हो रही, ताकि दोनों को कंपेरिजन करके आपको बताएं, दोनों को एक दूसरे से जोड़ के बताएं जिससे आपके दिमाग में सही से समझ में आ जाए। चलिए अब आगे देखिए, यहां पे जो है ये सब नहीं है, बस ये ध्यान रखना कि मध्य भारत से नील और मध्य भारत से कच्चा रेशम, बिहार और बंगाल से सोरा और नमक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बिहार और बंगाल से, ध्यान रखिएगा, सोरा और नमक, गंगा घाटी से हफीम और बंगाल का कच्चा रेशम था। भारत से भारतीय वस्त्र का निर्यात की वस्तु बनाने का श्रेय डचों को दिया जाता है, ये ध्यान रखिएगा। जो भारत से भारतीय वस्त्र जो है उसको निर्यात की वस्तु बनाने का श्रेय जो है वो डचों को ही जाता है, एकदम इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। और 1759 में अंग्रेजों से बेडरा, ध्यान रखिएगा, बेडरा कई जगह बेदरा भी रहता लिखा हुआ, उससे कोई घबरा, तो बेदरा का युद्ध कहां पे हुआ था, तो बंगाल में। और यही चीज ध्यान रखिएगा, बेदरा का युद्ध जो हुआ था वो उसमें क्या हुआ था, अंग्रेज और डच, ध्यान रखिएगा, अंग्रेज और डच दोनों लड़े थे, बेदरा का युद्ध बंगाल में हुआ था। और ये युद्ध लड़ने के बाद में डच पराजित हुए और यहीं से डच की सारी शक्तियां समाप्त हो जाती है, डच का सूरज डूब जाता है। और एक दूसरा स्वाली, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, स्वाली का युद्ध, ध्यान रखिएगा, स्वाली का युद्ध कहां हुआ था, तो सूरत में हुआ था, ध्यान रखिएगा, यानी कि अगर कह सकते हैं तो गुजरात में कह सकते हैं। स्वाली का युद्ध किसकी किसके बीच में हुआ था, तो पुर्तगाली और अंग्रेजों के बीच में हुआ था। कब हुआ था, तो 1612 में हुआ था। किसके लिए हुआ था, क्योंकि कंपनी स्थापित करनी थी सूरत में, इसके लिए हुआ था। क्लियर हो रही ना बात को, अब बस यहीं पर इसको खत्म कर देना, आगे इसमें कोई भी इंटरेस्टिंग पार्ट नहीं है। चलिए आते हैं अंग्रेज पे, क्लियर है ना, जितनी बातें बोल रहा हूं सबकी सब ऑथेंटिक बोल रहा हूं, इसको आपको पकड़ना है। देखिए पढ़ने का तो बहुत कुछ है, लेकिन आप ये नहीं पता कर पाइएगा ना कि क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है, वो काम तो मेरा ही है ना, वो तो मैं ही आपको बता सकता हूं ना। तो ध्यान रखिए कि जो चीज अगर लग रहा है कि कंफ्यूजन हो रहा है, आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज छोड़ के पूछिए, या जो चीज याद नहीं हो रहा उसको रगड़ने की कोशिश कीजिए लिखने की। तो चलिए अंग्रेज, अंग्रेज बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से हमेशा क्वेश्चन पूछता है, अंग्रेज और फ्रांसीसी, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, और पुर्तगाली, पुर्तगाली तो आपको बच्चों की तरह समझा ही दिया हूं। अब अंग्रेज की बात आती है, भारत में अंग्रेजों का आगमन जो है डचों के बाद होता है। अभी डच खत्म हुआ, बिद्रा के युद्ध में डचों को जो है पूरी तरीके से पराजित किया गया, क्लियर हो गया, उसके बाद डच की समाप्ति होती है और अंग्रेजों का आगमन होता, क्लियर हो रहा है ना, यानी कि अंग्रेजों का आगमन जो है डचों के बाद होता। हालांकि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना डच ईस्ट इंडिया कंपनी से पहले ही हो चुकी थी, और सितंबर 1599 में लंदन के कुछ व्यापारी ने लॉर्ड मेयर की अध्यक्षता हो रही थी, उसमें जो है पूर्वी द्वीप समूह के साथ व्यापार करने की योजना तैयार करना शुरू कर देते हैं, और देश के साथ व्यापार करने के आशय 1599 में यह कंपनी गठन किया जाता। अब देखिए यहां पे दो तीन चीज है जो आपको जानना है, यहां पे नहीं है लेकिन आपको समझा दूं कि जब अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापना हो रही थी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापना हो रही थी, तो उस समय जो है भारत के मुगल शासक कौन थे, तो याद रखिएगा अकबर थे, ठीक है ना, अकबर थे। और जब कंपनी आई थी इंडिया तो उस समय कौन थे, तो याद रखिएगा जहांगीर थे, एकदम याद रखिएगा। जब कंपनी वहां बनी थी तो उस समय कौन थी, तो महारानी एलिजाबेथ थी। जब कंपनी बनी थी, जब अधिनियम चार्टर लिया गया था 15 वर्षों के लिए, तो उस समय जो रानी थी वहां की ब्रिटिश की, वो कौन थी, तो रानी एलिजाबेथ थी। और उसके बाद रानी एलिजाबेथ की मृत्यु 1603 में होती है, और यहां पर
जो अकबर की मृत्यु होती है 1605 में होती है, वहां पे रानी एलिजाबेथ की मृत्यु होती है, उसके बाद जेम्स प्रथम वहां का राजा बनता, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको पकड़ लीजिएगा। और यहां पे जैसे ही अकबर 1605 में बनता है, उसके बाद उसका पुत्र जो है जहांगीर वो शासन में चलाता, तो ध्यान रखना है इसी बात को। अब आगे की कहानी, अंग्रेज जो कंपनी है उसकी प्रारंभिक समुद्र की यात्रा सुमात्रा जावा मलक्का के लिए हुई थी स्टार्टिंग में, और इनका उद्देश्य था कि मसाला व्यापार का एक हिस्सा को प्राप्त करना। 1601 में कंपनी ने जहाज इंडोनेशिया के रास्ते जो है द्वीप पर मसाला द्वीप पे पहुंचता है, इंडोनेशिया में मसाला द्वीप है वहां पे पहुंचता है, और भारत के व्यापारी कोठियों को कायम करने का पहला प्रयास 1608 में किया जाता, सबसे पहला प्रयास 1608 में होता है, और किसके द्वारा होता है, 1599 में चलती है और 1608 में पहला प्रयास होता है कि कंपनी की स्थापना हिंदुस्तान में किया जाए हॉकिंस के द्वारा, ध्यान रखिएगा। और इसका नेतृत्व जो है वो हेक्टर नामक पहला अंग्रेज जहाज 1608 में सूरत के बंदरगाह पर आकर रुका था, पहला हॉकिंस पहला अंग्रेज था जिसने समुद्री के रास्ते से भारत की भूमि पे कदम रखा था, हॉकिंस। और हॉकिंस अगर भूल जाइएगा तो सबके घर में हॉकिंस का प्रेशर कुकर जो सबसे महंगा सबसे बेहतरीन होता है, तो इस तरीके से आप याद रखिएगा, क्लियर हो रहा है। पहला ऐसा था अंग्रेज जिसने भारत की भूमि पे कदम रखा था, हॉकिंस, जो तुर्की भाषा बोल सकता था, ध्यान रखिएगा कई बार क्वेश्चन पूछता है कि हॉकिंस जो है कौन सी भाषा बोलता था, तो तुर्की भाषा, लेकिन सच बात है कि तुर्की और फारसी दोनों भाषा बोलता था। कई ऐसी किताब है जहां पे ये चीज नहीं लिखी हुई है, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए और ऑप्शन में दोनों रहे तो आप दोनों को मारिएगा, क्लियर है ना, तुर्की और फारसी दोनों। अकबर के नाम से जेम्स प्रथम का पहला पत्र लेकर मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में पहुंचता है, अकबर के नाम से लेकर पहुंचता, क्योंकि अभी पता नहीं होता कि अकबर है भी या चले जा चुके हैं, क्योंकि 1603 में जो है जैसी एलिजाबेथ की मृत्यु होती है उसके बाद जेम्स प्रथम बनता है, अकबर के नाम पर लिखा जाता है, लेकिन जब तक पहुंचता है तब तक पता चलता है अकबर अब नहीं रहे। अब यहां के बाद पत्र लेकर मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में पहुंचता, अकबर के नाम से रहता, लेकिन जब तक पहुंचता तब तक पता चलता अकबर चले जाते हैं, जहांगीर उस दरबार में शासक बना रहता। दरबार में उसने फारसी भाषा में बात की, ध्यान रखिएगा फारसी भाषा में बात की, तुर्की भाषा भी बोल सकता था और यहां पर बात हो रही है फारसी भाषा में। जहांगीर ने उसे क्या करता है, 400 मनसब प्राप्त कर देता है। हॉकिंस 400 मनसब का क्या मतलब होता है कि आपको रैंक प्राप्त कर देता है, रैंक दे देता है, रैंक वाइज। अगर यहां पे रैंक वाइज आपको समझाए कि सर मनसब समझ में नहीं आता, जरा समझा दीजिए, क्योंकि आप बोल के निकल जाइएगा तो फिर हम ढूंढेंगे कहां पे मनसब। मनसब का मतलब होता है कि मान लीजिए कि अभी आप लोग बीपीएससी का एग्जाम दिए और सारे 10 लोग हैं, 10 के 10 सेलेक्ट हो गए, लेकिन इतना तो कंफर्म है कि 10 के 10 का रैंक ऊपर नीचा होगा, तो ऊपर नीचा रैंक होगा, जिसका रैंक टॉप में होगा उसको एसडीएम पोस्ट मिलेगा, उसके बाद जो है आपका डीएसपी का मिलेगा, उसके बाद फिर धीरे धीरे नीचे घटता हुआ चला जाएगा, तो सबको तो नहीं मिल सकता। तो ऐसे ही जो मनसब था वो रैंक वाइज था किया हुआ, ध्यान रखिएगा रैंक वाइज क्या होता है कि भाई तुम लोग जो है करो। और इस समय जो है जहांगीर जो है पुर्तगाली से पंगा नहीं ले सकता है, क्यों नहीं ले सकता है, क्योंकि उसके कॉटेज पूरे समुद्र जो समुद्री क्षेत्र है जो पानी वाला क्षेत्र है उस पर कब्जा किसका, पुर्तगालियों का है, और पुर्तगालियों का इतना बड़ा दबदबा रहता है जिसको हम कहते हैं अकबर द ग्रेट, उसका भी जहाज अगर निकलता था हिंद महासागर में तो कॉटेज लेना पड़ता था, अलग बात है टैक्स नहीं देना पड़ता था। और ऐसे कंडीशन में जहांगीर भला क्या पुर्तगाली को छोड़ के अंग्रेज को दे सकते हैं, है संभव, कभी संभव नहीं। तो इसके लिए कहा कि भाई ऐसा नहीं हो सकता, 400 तुम मनसब रख लो, बात को समझना है। अब हॉकिंस ने अंग्रेजों के लिए सूरत में एक पहली कोठी खोलने की अनुमति मांगा, उसके बोला कि भाई एक काम करो मुझे सूरत में एक कंपनी खोलने की आज्ञा दे दो, लेकिन यहां पे जो जहांगीर बैठा हुआ वो कह रहा नहीं 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 ऐसा नहीं होगा, इसके लिए आपको परमिशन जो है पुर्तगालियों से लेना पड़ेगा। और हॉकिंस ने अंग्रेजों के लिए सूरत की पहली कोठी तो मांग की, लेकिन अनुमति प्रदान कर दी गई थी, किंतु पुर्तगीज जो है शत्रुतापूर्ण कारनामे और सूरत के सौदागर के विरोध के कारण जो है यह अनुमति रद्द कर दी। उसके बाद पुर्तगीज जो आए और पूरे तरीके से जो है इसका विरोध करना शुरू करते हैं और यह अनुमति रद्द कर दी जाती है। फिर 1611 में कैप्टन मिल्टन ने स्वाली में पुर्तगालियों के जो जहाज है बेरे हैं उसको परास्त करता है, पुर्तगाली स्वाली में ही जो है पुर्तगालियों के जहाज होते हैं उसके बेड़े को परास्त कर देता, कब, 1611 की कहानी है, एकदम ध्यान से पकड़ना सब बातें को, एकदम ध्यान से सब कुछ समझ में आ जाएगा। अभी आप 21वीं सदी में जिंदगी नहीं जी रहे हैं, बल्कि आपको हमने 17वीं सदी में लाके खड़ा कर दिया हूं, ध्यान रखिएगा 17वीं सदी का मतलब 1600 के आसपास लाके खड़ा कर दिया, 1611 की कहानी है और पूरे तरीके से सूरत में गुजरात में आप बैठे हुए हैं, हम आपको कथा कह रहे हैं और आप सुन रहे हैं, पूरे तरीके से समझिए। यहां पर जो कारखाना है वहां पे अनुमति नहीं मिलता है,
उसके बाद जो है सूरत की जो अस्थाई कारखाना वहां पे अनुमति दी जाती है। लेकिन अब क्या होता है, मिल्टन में स्वाली में पुर्तगाली की जहाज बेरू को परास्त कर देता है, जो जहाज होता है उसको परास्त करता, लड़ता है और पुर्तगाली को पराजित करने के कारण जहांगीर जो है अंग्रेजों से जो है प्रभावित हुआ और 1613 में इसने अंग्रेज को सूरत में अस्थाई। उसके बाद यही पे जो है स्वाली का युद्ध होता है, कहां पे, सो से स्वाली सो से सूरत, और सूरत कहां है तो गुजरात में है, याद रखिएगा। 1611 में मछलीपट्टनम में ये अपनी पहली कंपनी खोली जाती है जिसको कहते हैं मुसोलीपट्टनम भी अभी, लेकिन वहां पे काम नहीं बनता क्योंकि इनका टारगेट होता कि किसी भी हालत में हमें सूरत में खोलना है, क्योंकि जो महाराष्ट्र और गुजरात वाला क्षेत्र है समुद्री इलाका, यहां पे व्यापार वाणिज्य करने का सबसे आसान तरीका है, आसान रास्ता, यहां से ज्यादा मुनाफा कर सकते हैं और कम से कम खर्च में किया जा सकता। तो इनका टारगेट तो था कि किसी भी हालत में गुजरात में करना है। और फाइनली 1612 में जो है ये स्वाली का युद्ध होता है, पुर्तगाली को बुरी तरीके से पीटा जाता है। उसके बाद यहां पे जो है जहांगीर समझ जाता है इस बात को कि चलो अब तो इनसे ज्यादा बहुत ताकतवर है, और 1613 में जो है अंग्रेज को सूरत में अपनी अस्थायी कारखाना स्थापित करने की अनुमति दे दी जाती है। अब यहां के बाद आगे, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, उसके बाद देखते हैं यहां के बाद आगे चले। स्थानीय अधिकारी भी बार बार रुपये की मांग करने लगते और इन बातों से तंग आकर अंग्रेज ने 1626 ईस्वी में अमरावा गांव के एक दूसरी कोठी खोल दिया जाता। 1626 में पहली कोठी जो खुलती कहां पे खुलती है, तो याद रखिएगा मुसोलीपट्टनम में। दूसरी कोठी कहां पे खुलती है, तो सूरत में। लेकिन कामकाज जो शुरू होती पहली कोठी की वो कहां पे होती है, तो सूरत में होती है, याद रखिएगा। पहली और दूसरी कोठी इन्होंने क्या करता, 1626 में अमरावा में दूसरी कोठी खोली जाती है। अरबामा गांव जो कि पुलिकट की डच बस्ती के कुछ जो मील पर उतरा था, और यहां भी उन्हें विविध असुविधा का सामना करना पड़ता है, ठीक है ना। चलिए आते हैं आगे। देखिए एक बात मैं आपको क्लियर बता दूं कि एसके पांडे सर की बुक नो डाउट बहुत औसम बुक है, लेकिन इसकी सब बातें अगर बताना शुरू कर दूंगा तो यह कहानी एक साल में भी बनने वाली नहीं है। अगर पर डे वीडियो डालूं तब भी बता रहा हूं, इसलिए हम वही पार्ट को आपके सामने लाने की कोशिश करेंगे जो इंपॉर्टेंट है और जहां से आयोग बार बार क्वेश्चन पूछता है और 66 में भी क्वेश्चन पूछेगा, और इसका बांधगी हम तब देंगे जब आप एग्जामिनेशन हॉल से बाहर निकलिएगा। अगले दिन बता देंगे इस वीडियो में इतना बच के इतने टाइम पे देखो मैंने बताया हूं कि नहीं बताया हूं, लेकिन जब उस समय सोचिएगा तो आपके आंसू निकलेंगे। बेहतर है कल आंसू ना निकले तो आज अपने अंदर सुनामी पैदा कीजिए, हमारे साथ जुड़िए, आगे बढ़िए, वीडियो को जितना ज्यादा हो सके देखिए, जान लगा दीजिए इसकी हर एक एक बात को, दिमाग के अंदर रख लीजिए ताकि जब दिल चाहे तब इसको उगल सकते हैं। निगलने के लिए तो मैं तो निगल ही रहा हूं, मैं तो आपको दे ही रहा हूं, लेकिन उगलने के लिए आप तैयार होइए विदाउट कंफ्यूजन। चलिए, गोलकुंडा के सुल्तान ने उन्हें एक सुनहला फरमान जो है देता है, इसके लिए 500 पेगोडा का सलाना कर देने के लिए उन्हें गोलकुंडा राज बंदरगाह स्वतंत्रता पूर्वक व्यापार करने की आज्ञा दे दी। अब गोलकुंडा के जो सुल्तान होते हैं एक सुनहरा गोल्डन जो है फरमान जारी करता है, गोल्डन फरमान इसको क्या करता है, जारी कर देता कि एक काम कीजिए 500 पेगोडा पर जो सलाना साल में 500 पेगोडा दे दीजिएगा और इसके लिए जो है गोलकुंडा में आप व्यापार वाणिज्य स्वतंत्रता पूर्वक से कीजिए। और यह शर्तें 1634 में एक दूसरे के फरमान जो है दोहरा दी, किंतु अंग्रेजी व्यापार ने अस्थाई अधिकारियों की मांग से पिंड न छूटा, इसलिए वे एक अधिक लाभप्रद स्थान खोजने में लगे हुए थे। लेकिन जिस तरीके से इनको कर पे कर अंग्रेजों को देना पड़ रहा था, इससे ये आजीज हो गए थे, इससे ये परेशान हो गए थे, इनके दिमाग में था कि ये सोने की जो चिड़िया है हिंदुस्तान, इससे ज्यादा से ज्यादा काम धेनु गाय की तरह इसको बनाकर जो है हासिल किया जाए। लेकिन यहां पर उल्टा ही हो रहा था, यहां ज्यादा से ज्यादा इनको कर दिया जा रहा था। अब ये परेशान होकर वैसे जगह की तलाश कर रहे थे जहां से इनके सपने पूरे हो सके, इसलिए वे एक अधिक लाभप्रद स्थान को खोजने में लगे हुए थे। 1639 में फ्रांसीसी डे ने चंद्रगिरी के राजा से मद्रास को जो है पट्टे पे ले लेता। सबसे पहले 1639 का टाइमिंग आ रहा है, अब मद्रास को पट्टे पे लेता है और उसको किलेबंदी की कोठी बना देता। अब धीरे धीरे क्या करेगा ना, किलेबंदी, देखिए सूरत में, गुजरात में तो है ही, महाराष्ट्र में तो यह स्थापित कर ही लिया, ठीक है ना। तीन प्रांत थे उस टाइम में, एक सूरत, दूसरा मद्रास और तीसरा बंगाल, तीन प्रांत में बटा हुआ, तीन प्रेसिडेंसी में बटा हुआ था। अब सूरत में तो इन्होंने कोठी खोली दिया था, चंद्रगिरी में जो था, जो कि मद्रास को जो है चंद्रगिरी के राजा से जो है मद्रास को पट्टे पे लेके इसको पूरी तरीके से जो है किलेबंदी कर देता है, और देखते देखते मद्रास को भी, देखते देखते बंगाल में भी क्या करता है, पूरी तरीके से कोठी बना लेता है, और वहां भी जैसे मद्रास में जो है फोर्ट सेंट जॉर्ज जो है बना लेता है, कोठी का नाम होता है किलेबंदी कर लेता है, जिसको फोर्ट सेंट जॉर्ज के नाम पे नाम रखा जाता है। फोर्ट सेंट जॉर्ज जो है सिगरी कोरोमंडल समुद्री तट पर अंग्रेज की बस्तियों का मुख्यालय बन जाता है।
जो कोरोमंडल तट है ना उसका मुख्यालय जो बनता है जो फोर्ट सेंट जॉर्ज, ध्यान रखिएगा फोर्ट सेंट जॉर्ज, क्लियर हो रहा है ना, बस्तियों का इसका मुख्यालय बना लेता कोरोमंडल तट पर, क्योंकि यहां से भी व्यापार वाणिज्य किया जाएगा, क्लियर हो रहा है। अब सेंट फोर्ट जॉर्ज शीघ्र ही कोरोमंडल समुद्री तट पर अंग्रेजी बस्तियों का मुख्यालय बनता और मुसोली पट्टनम से आगे निकल गया। अब यह आगे निकल जाता 1615 में सर टॉमस रो जो है जहांगीर के दरबार में आता है। अब 1615 की कहानी चल रही है, 1615 में सर टॉमस रो जो है जहांगीर के दरबार में आते, बहुत इंपॉर्टेंट है ध्यान रखिएगा। और 1623 तक अंग्रेजों ने सूरत, भरौच, अहमदाबाद, आगरा, मुसोलीपट्टनम में अपनी फैक्ट्री जो है दिन प्रतिदिन बढ़ाते हुए खोलते हुए चले जाते हैं। और 1630 में मैड्रिड की संधि के होती है जिसके अनुसार पूर्वी व्यापार में अंग्रेजों और पुर्तगालियों के बीच संघर्ष के अंत करने का निश्चय किया जाता। उसके बाद एक मैड्रिड की संधि होती है 1630 में जिसमें यह कहा जाता कि पूर्वी क्षेत्र में व्यापार जो है अंग्रेज और मद्रास के बीच में जो संघर्ष है उसको अंत करने का निश्चय किया जाता कि अब जो है अंग्रेज और पुर्तगाली दोनों संघर्ष को समाप्त कर दें। यह मैड्रिड की संधि में 1630 में होती है, याद रखिएगा। 1634 में सूरत कोठी में जो है अंग्रेज अध्यक्ष तथा गोवा के पुर्तगाली वायसराय ने मिलकर एक समझौते पर हस्ताक्षर होता। 1630 में मैड्रिड की संधि, 1634 में सूरत की एक कोठी में अंग्रेज के अध्यक्ष और गोवा के पुर्तगाली जो वायसराय है उन्होंने मिलकर एक समझौते पर हस्ताक्षर होता जिसके द्वारा भारतीय व्यापार में अंग्रेज एवं पुर्तगाली के व्यापारिक से सहयोग की सुरक्षा प्राप्त हुई। और 1642 में पुर्तगाली शासन जॉन चतुर्थ ने इंग्लैंड के राजा चार्ल्स प्रथम से सूरत और गोवा समझौता की पुष्टि कर दी जाती है। अब यहां के बाद इंटरेस्टिंग होती है, अब यहां पे समझौता होना शुरू होता है, अब थोड़ा सा प्यार लाते हैं। बहुत क्रांति हुई, बहुत मार झाड़ हुआ, बहुत हड़प नीति हुई, अब प्यार लाते हैं। प्यार होता 1661 में जब इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय का विवाह जो है पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन के साथ होता है 1661 में। और इसके बदले में जो है पुर्तगाली जो है दहेज के रूप में बंबई का द्वीप जो है वो किसको देता है, चार्ल्स द्वितीय को देता है। लेकिन चार्ल्स द्वितीय कहते हैं ये मैं लेके क्या करूंगा। 1661 की कहानी है, 7 साल के बाद 1668 में चार्ल्स द्वितीय बंबई का द्वीप जो है 10 पाउंड वार्षिक, वर्ष में 10 पाउंड आप दे दीजिएगा और अंग्रेजों को दे देते हैं। अब देखिए देखते देखते जो है तो अभी तक गुजरात में थे, अब जो है महाराष्ट्र में भी अपनी छत्र छाया शुरू कर देते हैं, क्लियर। 1687 में सूरत की जगह बंबई अंग्रेज का मुख्यालय व्यापारिक बन जाता, व्यापार का मुख्यालय जो है अंग्रेज बना लेता बंबई को, अभी तक जो है सूरत था 1687 तक, उसके बाद बंबई में अपना जो है व्यापारिक मुख्यालय जो है बना दिया जाता है। अंग्रेज ने 1630 के बाद उत्तर पूर्व में अपने प्रभाव में वृद्धि करता है। उसके बाद 1630 का समय आता है, उत्तर और पूर्व ये दोनों क्षेत्र में जो है बहुत हद तक वृद्धि करना शुरू करता है। 1633 में उड़ीसा में महानदी के मुहाने पर स्थित हरिहरपुर, ध्यान रखिएगा कई बार क्वेश्चन पूछता हरिहरपुर कहां है, तो उड़ीसा में महानदी के मुहाने पर स्थित हरिहरपुर तथा बालासोर में व्यापारिक कोठियां जो है कायम हो जाती है। अब सीधे सीधे ये लोग कहां जा रहे हैं, पूर्वी क्षेत्र की ओर बढ़ना शुरू कर दिए हैं, यानी कहां पे, हरिहरपुर जो कि महानदी के मुहाने पे है और बालासोर ये भी उड़ीसा में ही होता है, यहां पे व्यापारिक कंपनियां स्थापित होना शुरू है। यानी अब देखते देखते हिंदुस्तान के हर शहर में इनकी व्यापारिक कोठियां शुरू हो जाती है। एक कोठी हुगली में ब्रिजमैन के अधीन जो है खोली जाती है, हुगली में 1651 में जो है हुगली में कोठी खोली जाती है। इसके बाद पटना, ढाका, कासिम बाजार में भी कोठियां धीरे धीरे खुलना शुरू होती है। और इस समय बंगाल में अंग्रेजी व्यापार का जो मुख्य वस्तुएं थी वो रेशम थी, फुटकर बेचने की सूती कपड़े थे, सोडा थे और चीनी थी। क्लियर हो रही है, कहीं पे कोई कंफ्यूजन हो तो प्लीज कमेंट कीजिए ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में और उसको क्लियर कर सकूं। मैं अपने तरीके से 100% देता हूं, 110%, लेकिन अगर हो सकता कुछ कमियां हो तो आप मुझे बताइएगा। हाँ, एक कमियां मैं भी समझता हूं कि मैं थोड़ा तेज बोलता हूं। तेज इसलिए बोलता हूं क्योंकि समय की नजाकत हमें तेज बोलने पे मजबूर करती है, क्योंकि वक्त हम लोगों के पास किसी के पास नहीं है, ना तो मेरे पास है ना तो आपके पास में, हमारे पास भी लिमिट वक्त है, इसी लिमिट वक्त में सब कुछ करना है। आपके पास भी लिमिट वक्त है, उसी में आपको सब कुछ करना है। हमारे पास भी रिस्क है, अगर थोड़ा सा गड़बड़ हुआ तो सब कुछ कूड़ा हो जाएगा। आपके पास भी रिस्क है, अगर एक बार ये 66 हाथ से गया तो ना जाने कितने साल पीछे हो जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। कितने तो ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका एज और अटेम्प्ट दोनों समाप्त हो जाएगा। तो ऐसे कंडीशन में ऐसा नहीं है कि रिस्क आप ही के साथ है, रिस्क हम भी खेल रहे हैं, रिस्क हम भी झेल रहे हैं। तो चलिए आगे आते हैं। अब सीधे सीधे सब जगह हो गया, अब आते हैं बंगाल में अंग्रेजी शक्तियों का विकास होगा। अगर हिंदुस्तान सोने की चिड़िया थी तो उसमें बंगाल जो था वो सोने का दिल था,
उस चिड़िया में जो दिल थी वो कौन थी? बंगाल थी। ये पता था कि बंगाल ही वो क्षेत्र है जो सब रूप से परिपूर्ण है, एक तरीके से कामधेनु गाय है। जितना दूह सकते हो दूह लो, जितना ले सकते हो ले लो, क्योंकि अनलिमिटेड है रिसोर्सेज, चाहे वो नेचुरल हो चाहे इंसान के द्वारा बनाया गया हो, अनलिमिटेड है। जितना ले सकते हो लूट लो। अब आते हैं कैसे होता है। बंगाल में सर्वप्रथम अंग्रेजों का व्यापारिक जो छूट होती है वो 1651 में प्राप्त होती है, जब ग्रेबियन वांटम ने बंगाल के सूबेदार शाह सुजा के साथ जो है दरबारी चिकित्सक के रूप में रहता है। एक लाइसेंस अंग्रेजी कंपनियों के लिए प्राप्त किया जाता है। इसके द्वारा 3,000 रुपया वार्षिक कर के बदले में कंपनी को बंगाल बिहार उड़ीसा में मुफ्त व्यापार करने की अनुमति दे दी जाती है। और 1656 में एक दूसरा मिशन मंजूर किया जाता है जिसके तहत बिना बाधा के अंग्रेज को व्यापार करने की अनुमति पुनः पुष्टि की गई। किंतु सुजा के उत्तराधिकारियों ने इस निशाने को अपने ऊपर लाजमी नहीं समझा। इन्होंने इस बात की मांग की कि अंग्रेज अपने बढ़ते व्यापार के कारण दूसरे सौदागर के समान ही कर दें और व्यापार के साइस्ता खान ने 1672 में, ध्यान रखिएगा, 1672 में फरमान प्राप्त किए और उसे जो है उस कर को अदा करने से मुक्ति मिल जाती है। बादशाह औरंगजेब, अब देखिए कहानी यहां से घूमने वाली है। अब धीरे धीरे क्या होता है, बंगाल बिहार और उड़ीसा तीनों एक ही प्रांत में उस टाइम में थी। ये कहानी जो चल रही है आपकी 17वीं सदी की चल रही है, आप भी अब समझ रहे हैं क्योंकि कई बार मैंने बोल चुका हूं। अब यहां पे है, अब धीरे धीरे इनको बंगाल में चाहिए और 3,000 रुपया वार्षिक, जहां पे अरबों खरबों की दौलत है, जो खुद कामधेनु गाय है, वहां पे 3,000 रुपया में वार्षिक व्यापार करने की छूट। ये कितना बड़ा मजाक है जिसका खामियाजा आज तक इस आधुनिक युग में 21वीं सदी तक हम लोग को जो है देना पड़ रहा है, खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। ऐसा नहीं कि आज भी हम नहीं भुगत रहे हैं, भुगत रहे हैं। अब यहां के बाद थोड़ा सा आगे आते हैं। यहां तक कुछ भी नहीं, चुंगी उंगी लगा दिया जाता है, इसमें कुछ भी नहीं करने का है। अब देखिए सीधा आते हैं कहां पे, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। अब देखिए यहां ये बर्धमान जिले, ये भी बंगाल का एक जिला है। बर्धमान जिले में एक जमींदार शोभा सिंह है, ध्यान रखिएगा, शोभा सिंह एक जमींदार है जिन्होंने विद्रोह के कारण अंग्रेजों को 1696 में अपनी नई कोठी किलेबंदी की अनुमति मिल गई। ये विद्रोह करते हैं शोभा सिंह, जिसकी वजह से 1696 में एक कोठी को किलेबंद करने की अनुमति इन्हें मिल जाता है। और बंगाल के सूबेदार अजीम उस शान ने 1698 में अंग्रेज को सूतीनाता, कालीकाता और गोविंदपुर नामक तीन गांव को है जमींदारों को प्रदान कर दी। इसके बदले उन्होंने इस गांव के मालिक को 1200 रुपये देने पड़ता है। और इसके बदले जो है ये तीन गांव सूतीनाता, कालीकाता और गोविंदपुर, तीनों के तीनों कहां थे? बंगाल में थे। इन तीनों के बदले 1200 रुपया वार्षिक जो है कर के रूप में वो गांव के जमींदार को दिया जाता था, जिनका जमीन लिया जाता था। अब यहां के बाद इंग्लैंड के सम्राट के समान उक्त किलाबंदी व्यवसायिक प्रतिष्ठान के नाम से फोर्ट विलियम रखा गया था। अब यहां भी किलेबंदी, जैसे सेंट जॉर्ज फोर्ट जो आपका देखिएगा महाराष्ट्र, यहां क्या कहते हैं, चंद्रगिरी के राजा से मद्रास पट्टे पे जब अंग्रेज लिया था तो उसको किलेबंदी कर दिया था, मद्रास को, जो कि कोरोमंडल तट पे था, किलेबंदी जो कर दिया था सेंट जॉर्ज फोर्ट को, फोर्ट को। अब यहां के बाद बंगाल आ गया है, बंगाल में भी फोर्ट विलियम रखा गया जो पूरी तरीके से किलेबंदी कर दिया गया, जिसका नाम फोर्ट विलियम रखा जाता। सर चार्ल्स आयर इसका प्रथम जो है, यानी कि या कहें तो पहले प्रेसिडेंट हुआ। 1700 में यह पहला प्रेसिडेंस नगर घोषित होता, कौन? तो बंगाल घोषित हो जाता पहला प्रेसिडेंसी नगर। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, 1700 तक हम लोग पहुंच चुके हैं। अब जो है कहानी पूरी तरीके से मुड़ने के लिए तैयार हो चुकी है। अब जो है शाही फरमान मिलना शुरू होगा, बाकी ऊपर में कोई इंपॉर्टेंट नहीं, सबसे बड़ा शाही फरमान मिलना शुरू होगा। अब कहानी सीधे 1717 में चले आते हैं, थोड़ा सा और बताएंगे। 1717 में आते हैं, फारूक सियार क्या होता है, मुगल बादशाह बनता है। और फारूक सियार जो है किसी बीमारी से ग्रसित हो जाता है, जिसमें जितने भी वैद होते हैं, जितने भी हफीम होते हैं, जितने भी देख रेख करने वाले होते हैं, सब हार जाते हैं और कहते हैं अब फारूक सियार आप अल्लाह के प्यारे होने वाले हो। अब यह बात अगर किसी को बोल दिया जाए तो इंसान कितना डर सकता है, सोच लो कि अब हम जिंदगी से जा रहे हैं, और उसी वक्त अगर कोई जिंदगी अगर आपको दे दे तो उसके लिए आप जान निकाल के दे सकते हैं। अगर देखा जाए तो फारूक सियार गलत नहीं किया, लेकिन इतिहास को पूरी तरीके से बदल दिया फारूक सियार। इसके बदले में जो अंग्रेज का दल आता था उसमें डॉक्टर भी होते थे, एक डॉक्टर ने इनका इलाज करते हैं और इस इलाज के दरमियान ही फारूक सियार ठीक हो जाता है। और इस ठीक होने के बाद इतना बड़ा समझौता कर देता है, इतना बड़ा शाही फरमान जारी कर देता है जिसका खामियाजा पूरा का पूरा आधुनिक भारत में हिंदुस्तान के हर लोग को चुकानी पड़ती है, बस एक फारूक सियार के बदले, जिसको कहते हैं घृणित कायर भी।
अब होता क्या है, सबसे पहला फरमान जो जारी किया जाता है वो 3,000 रुपए वार्षिक कर के बदले में कंपनी बंगाल में मुक्त व्यापार करने की छूट मिल गई। जहां पे कामधेनु गाय है वहां पे 3,000 रुपए वार्षिक में कर आपने छूट कर दे दिया। इसका मतलब है कि अब हम जो है गुलामी के बंधन में जकड़ने के लिए तैयार हो चुके हैं। रही सही कसर अभी भी नहीं रुकी है, 10,000 रुपए वार्षिक कर पे सूरत को दे दिया गया है, जो कि सूरत भी एक बहुत बड़ा जो है एक ऐसा क्षेत्र था जहां से रिसोर्सेस के बहुत बड़े मात्रा आया करते थे, वहां भी 10,000 रुपए में उसको भी नीलाम कर दिया जाता है। उससे रही सही कसर जो है बंबई में कंपनी के द्वारा जो ढाले गए सिक्के हैं संपूर्ण मुगल राज में चलाने की आज्ञा मिल जाती है। और कहा भी जाता है ना, जब जिसके सिक्के चलने लगते हैं तो जमाना उसी को याद करता है, यानी उसी की तूती बोलना शुरू हो जाता है। अंग्रेजों ने भी यही कर दिया और रही सही कसर जो है अब हम जो है गुलाम होना शुरू हो गए। और यहां के बाद थोड़ी सी एक बात और बता देता हूं आगे, जो कि आपको नहीं पता है। 1739 का टाइम आता है, 1739 में क्या होता है अगर मैं आपसे पूछूं तो आप क्या बताइएगा? पहला विदेशी आक्रमण होता है भारत पे 1739 में, किसके द्वारा होता है अगर आपसे पूछूं तो आप क्या बताइएगा? एक सेकंड